इस देश का नाम भारत है वो भी एक सवर्ण राजवंश के नाम पे ही है। अंग्रेजों से लड़ने का मसला हो, मुगलों से लड़ने का मसला हो, या बाहरी जितने भी आतंकवादी आए हो उनसे लड़ने में इतिहास उलट कर देख लीजिए, उसमें सबसे ज्यादा शहीद, सबसे ज्यादा बलिदान, सबसे ज्यादा त्याग सवर्णों ने दिया है। लड़ाई के बाद इस देश को अच्छा करने के लिए, आजादी जब मिली तो इस देश को बेहतर बनाने के लिए, कॉलेज खोलने के लिए जमीन देख की जरूरत पड़ी तो हमारे पूर्वजों ने अपने वंश का जमीन निकाल के काट के कॉलेज बनाने के लिए दिया, विश्वविद्यालय बनाने के लिए दिया, विद्यालय बनाने के लिए दिया। आज दुर्भाग्य क्या है कि जो विद्यालय महाविद्यालय तक बना है हमारे ही पूर्वज के दिए गए जमीन पे, वहां जो छात्रवृत्ति चलती है वो सवर्ण के बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। यानी कि जो जमीन दिया उनके बच्चों तक के लिए छात्रवृत्ति नहीं है, उसी विद्यालय में छात्रावास है तो सवर्ण के बच्चों के लिए नहीं है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है। भाजपा के भी एजेंडा में सवर्णों की विकास की नीति होती तो भाजपा हो या कोई भी पार्टी हो, उसके पास देखेंगे अनुसूचित जाति मोर्चा है, अल्पसंख्यक मोर्चा है, पिछड़ा वर्ग मंच है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में जाति आधारित जनगणना, इसकी रिपोर्ट आती है और इस रिपोर्ट के बाद अब अलग अलग जातियां एक्टिव हो गई हैं। जातियों के नेताओं का अब रैली भी हो रहा है कि अपने जातियों को कैसे एकजुट किया जाए। देखिए, बिहार में जो जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट आई, अति पिछड़ों की संख्या बताई गई, पिछड़ों की संख्या बताई गई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उसके बाद सामान्य। अब इन तमाम जो जाति समुदाय है, जो जाति समुदाय के लोग हैं, वो अपने अपने नेता को ढूंढ रहे हैं, कौन होगा उनका हितैषी, कौन बनेगा उनका नेता और कौन उनके लिए अच्छा काम कर सकता है। देखिए, हम बात आज सामान्य जातियों की करेंगे, यानी कि अगर बात स्वर्णों की जाए, स्वर्णों में कई जातियां हैं जो इस वक्त उनको रखा गया है। जाति आधारित जनगणना के बाद एक तरफ जहां आरक्षण की मांग उठी है, आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है, वहीं स्वर्णों को लेकर कई ऐसे लोग हैं, स्वर्ण समुदाय हैं, जो चिंतित हैं कि अब उनका क्या होगा। चलिए इस विषय पर चर्चा करेंगे, लगातार हम इस विषय पर चर्चा भी कर रहे हैं। आज एक बार फिर से अखिल भारतीय स्वर्ण मोर्चा से संजीव सिंह, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय स्वर्ण मोर्चा के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव पे। जी जी, धन्यवाद आपका। सर, अब अखिल भारतीय स्वर्ण मोर्चा से लगातार हम प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब से जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट आई है, अलग अलग जाति के नेता उनके लिए आवाज बन करके उठ रहे हैं, कई तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन जो बात स्वर्णों की जब जब आती है, उनके लिए कोई ना तो पहले था और ना तो अब था, क्या मतलब लग रहा है? स्वर्ण क्या करेंगे? पहले की स्थिति बताइए और अब की स्थिति क्या है उनकी बताइए जरा। सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि सवर्ण जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति जब सामाजिक और राजनीतिक दुनिया में जाते हैं जी, तो केवल हम कैसे सांसद हो जाएं, हम कैसे विधायक हो जाएं, हम कैसे विधान पार्षद के सदस्य हो जाएं, हम कैसे पदेन हो जाएं, इस सोच को बहुत ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, बजाय कि हमारी समाज की जो गरीबी है, जो लाचारी है, जो सवर्णों की बेरोजगारी है, जो फटेहाली है, उसको दूर करने के लिए हम कौन सी नीति और योजनाओं की मांग करें, लड़े, इस सोच को छोड़ के अपने चक्कर में ज्यादा पड़े रहते हैं। और ये लगभग कमोबेश सभी सवर्ण की जो चार जातियां हैं, ठीक है, उन राजपूत हो, भूमिहार हो, ब्राह्मण कायस्थ हो, इन चारों जातियों में कमोबेश जितने भी नेता हुए हैं सब इसी सोच के तले ही आज तक चलते आए हैं। इसका सबसे बड़ा सेटबैक क्या हुआ है कि अगर वो सत्ताधारी दल में है, सत्ता मिल भी जाती है, और वो अपने परिश्रम से या जुगाड़ से या व्यवस्था से या प्रभाव से वो सांसद, विधायक, मंत्री बन भी जाते हैं, तब भी अपने ही सरकार के द्वारा अपने ही समाज के विकास के लिए कोई नीति नहीं बनाने को तैयार होते हैं, भले वो लंबे समय तक रहे या कुछ समय तक के लिए रहे। यहां तक कि नीति की तो बात छोड़ दीजिए, वो विधानसभा के पटल पे, विधान परिषद के पटल पे, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा के पटल पे गरीब, लाचार, बेरोजगार, फटेहाल, आवासहीन, भूमिहीन,
सवर्णों के लिए आवाज तक नहीं उठाते हैं, वो भी छोड़ दीजिए, वो राजनीतिक जो मंच है उनका, जहां वो प्रदेश अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, महामंत्री है, उपाध्यक्ष है, ठीक है, महासचिव है, सचिव है, उस रूप में भी अपने पार्टी के मंचों तक में भी अपने समाज के फटेहाली गरीबी की आवाज तक नहीं उठाते हैं। तो जब अपना ही लोग मेरा आवाज वहां उठाने को तैयार नहीं है, न सदन में न राजनीतिक पटल पे, तो बाकी के लोग तो ऐसे ही चाहते हैं कि सवर्णों का नाश हो, सत्यानाश हो। इसीलिए ये जो सवर्ण है, जिसकी ताकत से इस देश आज तक जीवित रहा है, इस देश का नाम भारत है, वो भी एक सवर्ण राजवंश के नाम पे ही है, ठीक है। अंग्रेजों से लड़ने का मसला हो, मुगलों से लड़ने का मसला हो, या बाहरी जितने भी आतंकवादी आए हो, उनसे लड़ने में इतिहास उलट कर देख लीजिए, उसमें सबसे ज्यादा शहीद, सबसे ज्यादा बलिदान, सबसे ज्यादा त्याग सवर्णों ने दिया है। और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में भी शहीदों में सबसे ज्यादा मेरा ही योगदान है। और लड़ाई के बाद इस देश को अच्छा करने के लिए, आजादी जब मिली तो इस देश को बेहतर बनाने के लिए, कॉलेज खोलने के लिए जमीन देख की जरूरत पड़ी, तो हमारे पूर्वजों ने अपने वंश का जमीन निकाल के काट के कॉलेज बनाने के लिए दिया, विश्वविद्यालय बनाने के लिए दिया, विद्यालय बनाने के लिए दिया, हॉस्पिटल बनाने के लिए दिया, यहाँ तक कि सरकारी कार्यालय बनाने तक के लिए हमारे ही पूर्वज अपने वंश का जमीन निकाल के दिए हैं। आज दुर्भाग्य क्या है कि जो विद्यालय महाविद्यालय तक बना है हमारे ही पूर्वज के दिए गए जमीन पे, वहां जो छात्रवृत्ति चलती है वो सवर्ण के बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, यानी कि जो जमीन दिया उनके बच्चों तक के लिए छात्रवृत्ति नहीं है। उसी विद्यालय में छात्रावास है तो सवर्ण के बच्चों के लिए नहीं है। ये कमाल का विषय है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, इससे बड़ा शोषण क्या होगा। सवर्णों के खिलाफ तो भारत में राजनीतिक सामाजिक शोषण और आतंकवाद दोनों चलाया जा रहा है, और इसमें जितने भी सवर्ण नामक झा जी, सिंह जी, मिश्रा जी, चौधरी जी, पांडे जी, त्रिवेदी जी, चतुर्वेदी जी, सिन्हा जी, श्रीवास्तव जी, जितने नाम के हमारे सवर्ण वंशी लोग हैं नेता, ठीक है, वो भी इस शोषण करने में उन लोगों का साथी है और सहायक है। इससे बड़ा दुर्भाग्य सवर्णों का नहीं होगा। क्यों, मतलब बार बार ये सरकार या फिर लोग सोचते होंगे कि भाई स्वर्ण है, इनमें काबिलियत है, ये तो किसी भी तरह रह ही जाएंगे, तो इनको जरूरत क्या है इस वजह से? कहाँ लिखा हुआ है, कौन से अध्याय में लिखा हुआ है, या कौन सा एक प्रमाण है, वैज्ञानिक प्रमाण या सूक्ष्मदर्शी कोई प्रमाण होना चाहिए ना। सरकार दिखलाए हमको कि सवर्ण में आप जन्म ले लिए तो आप शक्तिशाली हो जाएंगे, सवर्ण में आप जन्म ले लिए तो आप धनी हो जाएंगे, सवर्ण में आप जन्म ले लिए तो आप अपने ही स्तर से दुनिया में अपना जीवन यापन, अपना विकास कर सकते हैं। कोई पैमाना होना चाहिए ना, कोई वैज्ञानिक आधार होना चाहिए ना। आखिर किस आधार पे एक रुपया ना केंद्र से बजट में हमको मिलता है, ना राज्यों से बजट में आज तक मिलता है, 75 साल हो गया आजादी का, ठीक है, एक रुपया हमारे लिए आवंटन ही नहीं है, जबकि अनुसूचित जाति के विकास के लिए लाखों करोड़ रुपया का आवंटन, ठीक है, अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए लाखों करोड़ रुपया का आवंटन, अल्पसंख्यक के विकास के लिए लाखों करोड़ रुपया का आवंटन केंद्र से भी राज्यों से भी मिलता है, ताकि उसके सामाजिक विकास की योजनाएं बने, उसको छात्रवृत्ति मिले, उसको छात्रावास मिले, उसको आवासीय विद्यालय मिले, उसको वित्त निगम की सहायता मिले स्वरोजगार के लिए, उसको विकास निगम का ढांचा मिले उसके विकास के लिए, उसके सामाजिक गरीबी उन्मूलन के लिए अलग अलग प्रकार की और योजनाएं चले, उसके लिए बजट मिलता है, योजनाएं बनाई गई है, आयोग है, विधिवत सिस्टम है, उसको सब कुछ मिल रहा है, यहाँ तक कि मंत्री मंत्रालय भी उसका बनाया गया है। अनुसूचित जाति की मंत्री का मंत्री अलग होता है, पिछड़ा वर्ग का भी आजकल मंत्री कई राज्यों में है, अल्पसंख्यक मंत्री मंत्रालय है, लेकिन न सवर्णों का मंत्री है, न मंत्रालय है, न सवर्ण बजट है, न सवर्ण छात्रवृत्ति है, न सवर्ण छात्रावास है, न सवर्ण आवासीय विद्यालय है, न सवर्ण वित्त निगम है, न सवर्ण विकास निगम है, न सवर्णों के गरीबी उन्मूलन की योजनाएं है। यहाँ तक कि हमको अगर कोई गाली दे दे तो हम अपने बचाव के लिए सवर्ण एक्ट तक नहीं लगा सकते, चूंकि सवर्ण एक्ट नहीं है, हमारे समाज का कोई सम्मान और कोई कीमत नहीं है इस भारतीय लोकतांत्रिक दुनिया में, हमसे ज्यादा अपाहिज, हमसे ज्यादा कमजोर कोई नहीं है भारत में। लेकिन दुर्भाग्य से हमारा ही जो नेता है, हमारा ही जो नेतृत्व है, वो हमारे खिलाफ में काम कर रहा है, ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है अपने समाज के लिए। 10% EWS आरक्षण लागू है सर, 10% कब दिया गया,
क्यों दिया गया 10%? भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो मध्य प्रदेश में उससे पहले भी थी, हिमाचल में भी थी, उत्तराखंड में भी रही है, उत्तर प्रदेश में भी रही है, गुजरात में रही है, अन्य राज्यों में भी रही है, तो उससे पहले 1% भी नहीं दिया था। अभी 10% दिए पिछले कुछ समय में, क्यों दिया? क्योंकि यह तीनों राज्य गंवाया हम लोग के धक्के से, हमारे आंदोलन, हम लोग के आंदोलन के आक्रोश के धक्के से। नोटा पर जो वोट मिला उस वोट के माध्यम से इनकी हार हो गई। ये छत्तीसगढ़ हार गए, मध्य प्रदेश हार गए, राजस्थान हार गए, बहुत कम वोट से हारे, और उसमें नोटा का बहुत ज्यादा योगदान रहा। जो नोटा का अभियान हम लोगों ने चलाया था, जब मेरा कोई नहीं तो हम किसी का क्यों, तो मात्र कुछ वोट घटा तो सरकारें चली गई, तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को लगा ये तो मेरा ही वोटर वर्ग है, मेरा ही समर्थक वर्ग है, ये हमसे नाराज हो गया है, तो चलो इसकी मांग जो है 25% आर्थिक आधार पर आरक्षण हम लोग मांग रहे हैं, या समग्र आरक्षण कर दो, या 25% आर्थिक आधार पर आरक्षण हमको दे दो, या पूरे आरक्षण को आर्थिक आधार पर कर दो, तो हमको 10% दिया गया। कमाल का मामला है, हम बिहार में है, बिहार की राजधानी में आपसे बात कर रहे हैं, यहाँ तो सवर्णों में शेख सैयद पठान को भी शामिल कर दिया गया है, जबकि अल्पसंख्यक के नाम पे उसको फायदा उधर से मिल रहा है, अल्पसंख्यक योजनाओं का फायदा उसको मिल रहा है, जबरन शेख सैयद पठान मल्लिक को भी हमारे साथ इसमें शामिल कर दिया कि जो इसके थाली में योजनाओं का लाभांश जाने वाला उसमें भी एक हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा खा के वो निकल जाए। ये राजनीतिक साजिश है, भारत में सवर्णों के खिलाफ, बिहार में सवर्णों के खिलाफ एक सामूहिक राजनीतिक साजिश तय की गई है, जिसमें तमाम पार्टी शामिल है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है। भाजपा के भी एजेंडा में सवर्णों की विकास की नीति होती तो भाजपा हो या कोई भी पार्टी हो, उसके पास देखेंगे अनुसूचित जाति मोर्चा है, अल्पसंख्यक मोर्चा है, पिछड़ा वर्ग मंच है, ओबीसी मोर्चा है, प्रकोष्ठ इस नाम का सभी दलों में है, सवर्ण मोर्चा क्यों नहीं खोलती है? क्योंकि सवर्ण एक साथ बैठ जाएंगे तो सवर्ण एक साथ बैठेंगे तो अपने समाज की विकास की नीतियों की बात करेंगे, तब कहेंगे कि सवर्णों के विकास के लिए और शिक्षा में फला 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 योजना की जरूरत है, वो अपने नेतृत्व को ये प्रस्ताव ला के देंगे और नेतृत्व पे दबाव पड़ेगा, सरकार तक जाएगा और सरकार को इस चीज को लाना होगा। इसीलिए सवर्ण ना बैठे, ना चिंतन करे, ना प्रस्ताव बन पाए, ना सवर्णों का कोई विकास की नीति और योजना ही हो पाए। ये सोच है, ये सरकारी सोच है, ये राजनीतिक सोच है, हमारे खिलाफ सब कोई है, कोई मेरा नहीं है। हम लोग बड़ा विकट स्थिति में है, सड़कों पे हम लोग लड़ाई देते हैं, ठीक है, जंतर मंतर तक दिल्ली तक जाके हम लोग धरना प्रदर्शन अनशन कर रहे हैं। हम केवल अखबारों में आते हैं, टीवी मीडिया चैनलों में आ जाते हैं, छपते हैं, हमारी आवाज सुनी जाती है, लेकिन हमारा आवाज सदन में नहीं उठता है। क्यों क्यों कौन कमजोर कर रहा है स्वर्णों को? आप लोग एकजुट नहीं है, हम लोग एकजुट नहीं है, इसलिए हो रहा होगा ऐसा? नहीं, एक 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 नई बात तो अब आ रही है, चिंतन का नया विषय आ रहा है कि जब हमारे ही लोग वहां जाके, वो चूंकि बैनर का मामला है, वो भाजपा का सांसद होते हैं या भाजपा के विधायक होते हैं, कांग्रेस के सांसद होते हैं, विधायक होते हैं या नेता होते हैं, वो राजद से जुड़े रहते हैं तो उनका नेता विधायक होते हैं या किसी भी पार्टी का, वो दरअसल सवर्ण नहीं रहते हैं। ये हम लोग भूल है, भ्रम है हमारा कि ये सवर्ण है, ये पांडे जी मेरे हैं, ये झा जी मेरे हैं, ये शर्मा जी हमारे हैं, ये सिंह जी हमारे हैं, मेरा वंश है, हमारा समाज है, इसको जिता दो, ये हमारे लिए जीत के जाएगा तो काम करेगा। दरअसल वो कांग्रेसी है, दरअसल वो सपाई है, दरअसल वो जेडीयू का लोग है, दरअसल वो राजदी है, वो सब मतलब पार्टी से मिलते जुलते। अब पार्टी की नीतियां सवर्ण विरोधी है, ये वहां ना बगावत कर पाते हैं, ना उसको सुधार करवा पाते हैं। बहुत ज्यादा जरूरत है जब मल्लाह की पार्टी देश में चल सकती है, दो तीन बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में भी निषाद पार्टी है, जी जी जी, जब कुशवाहा की पार्टी चल सकती है, ठीक है, हाँ कई पार्टियां, जब यादवों की 5 पार्टियां देश में चल सकती है, जब मुसहर समाज की पार्टी चल सकती है, जिसका 1%, 1.5%, 2%, 3% बहुत वोट हो गया, पासवान के नाम पे पार्टी बनती है, वो भी 2 भाग में हो गई, वो भी चल सकती है, तो हम तो सवर्ण है, देश में बड़े संख्या में है, हमारी पार्टी भी अब खड़ी होने की जरूरत है। जिस दिन सवर्ण अपनी पार्टी बना के बीजेपी से कहे कि तू तो ओबीसी की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, तुम तो सवर्णों के विकास की नीति नहीं बनाते हो, बजट का 1 रुपया देते ही नहीं हो, न सवर्ण छात्रवृत्ति छात्रावास देते हो, तो तुम्हारे साथ हम रहेंगे लेकिन अलायंस में रहेंगे, हमारी नीतियों को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में शामिल करो, तब जाकर शायद हमारे विकास की भी नीति बनेगी। हमको एक राष्ट्रीय स्तर का बड़ा राजनीतिक दल खड़ा करना
पड़ेगा। फिर भी तो लेकिन स्वर्ण जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही अपना रुख करते हैं। कितना भी आप कोई भी पार्टी बना लीजिए, कोई भी दल बना लीजिए, लेकिन एक स्वर्णों का जो वोट होता है वो हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही जाता है। बात आपका सही है, हमारे रगों में लहू में राष्ट्रवाद है, वो किसी भी शाखा में किसी भी कैंप में गए बगैर हम राष्ट्रवादी हैं, जन्म से हैं राष्ट्रवादी। हम सनातनवादी जन्म से हैं। जन्म लेने के बाद हमको थोड़ा सा भी ज्ञान होता है तो पारिवारिक जो शिक्षा संस्कार हमें दिया जाता है वो देवी देवताओं और हम भगवत ग्रंथों का सम्मान करना सिखाया जाता है। हम विकासवादी हैं। इन तीनों सोच का कहीं ना कहीं आज भी राजनीतिक प्रतीक बीजेपी बना हुआ है। हिंदुत्ववाद का भी प्रतीक वो है, ठीक है, सनातन राष्ट्रवाद का भी प्रतीक वो है। तो हम राष्ट्रवाद और हिंदुत्ववाद के नाते राष्ट्र को बचाने के लिए, हिंदुत्व को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। हमारा सभा चला जाता है, आज जो दो राहे पे खड़ा है उसको साथ भी दे रहा है और पछता भी रहा है। पछता ये रहा है कि यही पार्टी जिसको हम साथ देते हैं, सबसे ज्यादा सहयोग करते हैं, वो जो समाज कम सहयोग करता है उसके लिए तो पूरा काम करती है, जो समाज इसका गला उतार देना चाहती है अल्पसंख्यक समाज उसके लिए भी ये पूरा काम करती है, लेकिन हमारा समाज जो इसको तन मन धन जन से पूरा का पूरा ताकत सहयोग समर्थन देती है, ये हमारे लिए काम नहीं करती, हमारे विकास की योजनाएं नहीं बनाती है। हमारा ही समाज उसको वोट तो दे रहा है लेकिन अंदर से बहुत निराश रहता है। दो राह पे हमारा समाज खड़ा है, पता नहीं कब। हम तो समाज के लोगों को जगाते हैं कि भाई भाजपा को ही दे रहे अच्छी बात है, लेकिन हाथ पकड़ के उससे पूछो कि मेरा वोट लेने के बाद मेरी योजना बनाने से परहेज क्यों, हमारे विकास का कार्यक्रम लाने से परहेज क्यों। अगर वो जवाब दे कि नहीं बनाएंगे तो नया रास्ता लो। आप सवाल तो पूछो, आपके गांव घर में जा रहे हैं लोग, वोट लेने जाते हैं, कार्यक्रम करने जाते हैं, आप साथ देते हो तो सवाल क्यों नहीं करते हो। दुर्भाग्य से सवर्ण अंधा है, राष्ट्रवाद के नाम पे अंधा है, सनातनवाद के नाम पे अंधा है, ये बाह तक नहीं पकड़ के पूछ पा रहा है। कॉलर पकड़ के पूछने की बात तो छोड़ दीजिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि आज हमारे लिए कोई योजना नहीं है, कोई नीति नहीं है, हम भगवान भरोसे हैं। आज तो रिपोर्ट ही आई है, उस सरकार के माध्यम से रिपोर्ट आई है जो सरकार पूरे तौर से सवर्ण विनाशक है। नीतीश तेजस्वी की जो सरकार है और कांग्रेस की जो सरकार है, ये सीपीआई सीपीएम और सीपीआई एमएल माले गठबंधन महागठबंधन कहते हैं, ये सवर्ण विरोधी नहीं है, ये सवर्ण विनाशक है। इसके माध्यम से भी जो रिपोर्ट आई है उसमें भी तो 25% हम गरीब हैं, तो शोषक हम कैसे हो गए, सामंत हम कैसे हो गए, जबकि बिहार में 2010 में सवर्ण आयोग का 2011 में गठन हुआ, ठीक है, 2011 में गठन हुआ, उसका नाम भी हमको चिढ़ाने के लिए, हम समाज को चिढ़ाने के लिए रख दिया गया, ऊंची जाति का राज आयोग। नीतीश कुमार आए, अनुसूचित जाति का नाम बदलकर क्या नीची जाति का राज आयोग कर सकते हैं, कर सकते हैं, वही नीतीश कुमार हम लोग को चिढ़ाने के लिए ऊंची जाति का राज आयोग नाम रख दिया, ठीक है, हम लोग उसको भी जहर पी के रह गए, क्योंकि सुशील मोदी भी उसी के चरित्र के समान के व्यक्ति रहे हैं, भाजपा से उपमुख्यमंत्री रहे हैं, और वही सवर्ण आयोग हमारे लिए काम करना नहीं चाहता था। अखिल भारतीय सवर्ण मोर्चा उसके साथ 6 बार रिप्रेजेंटेशन दिया है कि भाई आप इसका सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण करो, शैक्षणिक सर्वेक्षण करो, सामाजिक सर्वेक्षण करो, हमारी माली हालात खराब है, तब जाकर वहां एक रिपोर्ट बना। रिपोर्ट भी चुपके से दबा कर रख दिया गया था, पिछले दिनों एक मीडिया ने निकाला है, 83% लोग हमारे यहाँ रोजी रोटी के लिए बाहर चले जाते हैं, 49% लोग उच्च शिक्षा नहीं ले पाते, 30% के पास तो लैंड ही नहीं है, लैंडलेस है। उस रिपोर्ट के अनुसार, इसी बिहार सरकार के सवर्ण आयोग के रिपोर्ट के अनुसार 20% लोग कच्चे टूटे फूटे मकान में रहते हैं, पक्का मकान नहीं है, खपड़े का भी सही से मकान नहीं है, मतलब अर्ध निर्मित मकान में 20% सवर्ण रहते हैं। तो अखिल भारतीय स्वर्ण मोर्चा इसके लिए क्या करेगा, अपने अगला कदम क्या होगा आप लोग? हम लोग तो समाज सामाजिक संगठन है, खुला तौर से मैं कह रहा हूँ, हमारे पास आवाज है, हमारे पास आंदोलन है, हम लोग लड़ाई दे रहे हैं, हम समाज को जगाते हैं। समाज जितना अंधे रूप से बीजेपी का समर्थन करती है अच्छी बात है, हम लोग उसके विरोध में नहीं है, हम केवल ये चाहते हैं बीजेपी सबके विकास की योजना के साथ मेरा भी योजना बना दे तो हमारा भी है, हमारा भी वहां रहना सार्थक हो जाएगा। अगर नहीं बनाती है तो हम समाज को जगा रहे हैं कि तुम अपने हक अधिकार को अगर नहीं ले पाओगे कानूनी रूप से, योजनागत रूप से, बजट के हिस्सेदारी में,
तो तुम्हारा वंश बहुत ज्यादा दिन तक नहीं टिकाऊ होगा। तुम अचानक ही गरीब नहीं हुए हो, तुमको प्रायोजित रूप से भारत में गरीब लाचार बेरोजगार फटेहाल आवासहीन भूमिहीन बनाया गया है। और तुम्हारी स्थिति आज इतनी खराब है कि जो तुम्हारा विनाशक वो भी कहता है 25% जो है आज सवर्ण गरीब हो गए हैं। आज ये महागठबंधन की सरकार कह रही है तो हमारी गरीबी को दूर करने के लिए योजना क्यों नहीं, नीतीश कुमार क्यों नहीं लाती है, बजट क्यों नहीं देते हैं, योजना क्यों नहीं बनाते हैं, कानून क्यों नहीं लाते हैं, केवल इसको बताने के लिए क्यों एक बहुत छिप के बहुत मजबूरी में 25% दिखलाया है। दरअसल हमारे लिए ना नीतीश है, न लालू है, न हमारे लिए भाजपा है, न हमारे लिए कांग्रेस है। हमको खुद का रास्ता खुद बनाना होगा और अपने बराबरी के हक अधिकार का कानून जब तक हम नहीं लेंगे हमको कोई बचा नहीं सकता है, हमको कोई आगे ला नहीं सकता है, हम बड़ी विकट स्थिति में है। चलिए, तो अब अखिल भारतीय स्वर्ण मोर्चा जो है वो मोर्चा खोल दिया है स्वर्णों के लिए। हमारे साथ तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए संजीव सिंह अखिल भारतीय स्वर्ण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, इनसे हम जुड़ते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।